पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइज अगर आपकी कोई क्वेश्चन या फिर आपका कोई एपीएन या इंटरनेट नहीं चल पाता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है व्हाट्सअप ग्रुप का, जो एक लिंक है उससे आप सीधे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं, जहाँ कि मैं आपके साथ एकदम सॉरी कनेक्ट रहूँगा, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर पाऊँगा। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जियो का डिफ़ॉल्ट एपीएन है इससे हमें क्या स्पीड मिलती है। तो स्पीड देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं इस टाइम स्पीड टेस्ट ओखला का जो ब्राउज आई मीन ऐप है उसका। तो यहाँ पे जो है स्पीड फ़िलहाल जो है गाइस थोड़ी बहुत अच्छी है, बट इससे हमारा जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम कोई अच्छी या कोई बड़ी ऐप या मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो अच्छे से नहीं होगी। तो उसके लिए गाइज हमें स्टार्ट करना होगा एक न्यू एपीएन। न्यू एपीएन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका जो इंटरनेट है वो कौन से सिम में है। तो यहाँ पे मेरे जियो 2 में इंटरनेट इस टाइम एक्टिव है, तो मैं यहीं पे इसकी एपीएन सेटिंग करता हूँ। तो एपीएन बनाने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले नेम डालना है। नेम में गाइज आपको डालना होगा स्पीड बॉट 20 एडिसन, ये डालने के बाद आपको सेव कर देना है। और गाइस ध्यान रखना आपको सेम टू सेम ही लिखना है। एपीएन में आना है, एपीएन में गाइस आपको लिखना है LT 900, इसमें कोई गैप नहीं होगा, वो सब कुछ कैपिटल में होगा। फिर इसको भी सेव कर दीजिएगा। प्रॉक्सी पोर्ट इन दोनों को नो सेट रहने दीजिएगा। यूजर नेम पे आते हैं तो यूजर नेम में आपको लिखना है स्पीड बॉट 2020। तो गाइस जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो स्पीड का एस जो है कैपिटल में है, बॉट का बी कैपिटल में, और गैप गाइस कहीं भी नहीं है। तो ऐसे के ऐसे ही आपको लिख के सेव कर देना है। सेव करने के बाद पासकोड को आप नो सेट रहने दीजिएगा। सर्वर पे आते हैं तो यहाँ पे आप या तो लिख सकते हैं www.google.com, jio.com, yahoo.com, जो भी गाइज आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे jio.com लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपको इसको भी सेव करना है। MMSC MMS Proxy MMS Port इन तीनों को नो सेट रहने देना है। MCC MNC आपके एरिया कोड है, इनको मत छेड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो इंटरनेट है वो नहीं चलेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है, जो कि है PAP और CHAP। गाइस इसके बाद आता है एपीएन टाइप। एपीएन टाइप में अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट। ये लिखने के बाद आपको इसको भी सेव कर देना है। एपीएन प्रोटोकॉल में गाइस आपको यहाँ पे IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है, जो कि सबसे लास्ट में होगा। और सेम आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, जो कि IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। लास्ट आता है गाइस बैगर, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अनस्पेसिफाइड से अनटिक करना है, LTE पे क्लिक करना है, HSPAP पे क्लिक करना है, HSPA, HSUPA, HSDPA। तो इनको क्लिक करने के बाद लास्ट एक और है गाइस 1XRTT, इस पर क्लिक करने के बाद आपको बैक करना है। तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर आपका ये सेव नहीं होता है इतने क्लिक करने के बाद तो आप ओनली LTE को क्लिक कर लीजिएगा। अगर LTE भी क्लिक नहीं होता है गाइस तो गाइस आप इसको अनस्पेसिफाइड ही रहने दीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको इस सेटिंग को सेव करना है। अब गाइस हमने सेटिंग तो सेव कर ली, बट अभी हमारा जो APN है वो एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही आपका जो इंटरनेट है कुछ सेकंड के लिए चला जाएगा, फिर लौट के दोबारा भी आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि इंटरनेट आ चुका है तो हम चलते हैं स्पीड टेस्ट ओखला में दोबारा से, और वहाँ पे देखते हैं इसकी स्पीड क्या होगी। सो गाइज अब देखते हैं यहाँ पे हमें जो है काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है, वो भी जियो के इस न्यू APN के थ्रू। तो गाइज़ अगर आपको भी ऐसी स्पीड चाहिए अपने इंटरनेट के थ्रू जहाँ पर आपको मिल जाएगी मैक्सिमम 24 MBPS के आसपास स्पीड, और डाउनलोड अपलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी, तो प्लीज़ इस APN को अपने फ़ोन में एक्टिव कीजिए। और हो सके तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।